दिल्ली में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में पार्टी की आगामी रणनीति का खाका तो तैयार किया ही जा रहा है। वहीं मोदी सरकार के प्रस्तावों और उनकी नीतियों पर भी चर्चा हो रही है। इन सबके बीच अधिवेशन में केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की है। दरअसल पिछले काफी वक्त से ही मोदी सरकार एक देश एक चुनाव की बात बार बार कर रही थी। सरकार ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की थी कि वो इसके बारे में सोचें। सरकार का तर्क है कि बार बार चुनाव कराने से विकास की रफ्तार बाधित होती है, लिहाजा विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि एक देश एक साथ चुनाव कराना संविधान की दृष्टि से अनुचित और अव्यवहारिक है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। महाधिवेशन में ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई, जहां चुनाव आयोग से आग्रह किया गया कि वो मतपत्रों से चुनाव कराने के पुराने तरीकों का पालन करे ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा गया कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनावी व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए मतदान और मतगणना दोनों प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव मतपत्रों से कराए जाएं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।